सभी भाइयों को दीपक शर्मा की तरफ से राम राम नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र किसान पे। तो काफ़ी भाइयों की डिमांड रहती है बाखड़ी भैंसों की। आज की वीडियो में आप काफ़ी सारी बाखड़ी भैंसें देख पाएंगे, कुछ ताज़ी भैंसें भी हैं। डिटेल से इनके जो ओनर हैं उनसे जानकारी। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक मिनी भैंस भी है, और ताजी और बकरी दोनों ही भैंसे आप इस वीडियो में देख पाएंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा आज की जो वीडियो है वो जींद सिटी से अमरेली रोड से कवर कर रहे हैं। जो डेयरी फार्म का नाम है वो श्री हरि डेयरी फार्म। वकील साहब के पास काफ़ी सारा जो पशुधन है वो बिक्री वाला खड़ा है। और जो भाई वीडियो को पहली बार चैनल पर देख पा रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। तो एक एक पशुधन को चला के खोल के आप भाइयों को अच्छे तरीके से दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आगे की क्या कुछ जानकारी है पशुधन के बारे में वो वकील साहब से लेंगे। तो एक बार मैं पशुधन को नज़दीक से कवर करके दिखाना चाहूँगा। ये देखें जो काफ़ी संख्या में जो पशुधन है, लगभग 25 से 30 भैंसें हैं जो बिक्री वाली हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा तेज जरूर बोलें। तो आज कितनी भैंसें दिखाएंगे? आज वैसे तो अपने 20-25 भैंसे हैं, लेकिन मैं जो 4 भैंसे हैं। अच्छा, जो 4 भैंसे आप इस वीडियो में दिखाएं। सातवें महीने में क्या बढ़ा है? अच्छा, जो बाखड़ी भैंसे हम बोल सकते हैं, और चारों की चारों में मतलब थन पास कराती हैं, दूध है। अच्छा, किसी में 2 लीटर, किसी में 3 लीटर, किसी में 4 लीटर। अच्छा, इनको अगले ब्याह अच्छा दूध दे, इसलिए इनको दूध मतलब छोड़ने पे। अच्छा, छोड़ दिया अभी दूध इनको आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। चढ़ा के अभी 2-2 4-4 किलो दूध है शरीर में। तो ये फर्स्ट भैंस है, ये दो दोल है, इसके जन्म से 2 थन है। अच्छा, दो ही थन है इसके। दो ही थन है, नीचे इसकी कट्टा है, नीचे इसके मेल काफ है। एक बार ले चलें भाई, तो मेल काफ को भी आगे दिखाएंगे। जी जी बताएं। सातवें महीने में क्या? सातवें महीने में अभी प्रेग्नेंट लगी हुई है। हाँ। जी, तो दूध तो नहीं होगा अभी? नहीं, दूध अब थन पास करवा देगी। थन पास कर, तो देखिये जन्म से ही 2 थन है। ब्यांत कौन सा अंकल जी इसका? दूसरे ब्यांत में। आगे बच्चा कौन से ब्यांत में देना है? आगे तीसरे ब्यांत में बच्चे को जन्म देगी। तो देखिए जन्म से ही जो 2 थन है इसके, रोक के रखें भाई एक बार। तो ये देखें भाई पीछे से मैं ले चले, आगे ले चले, ले चलो आगे ले चलो। ये देखें भाई 2 ही थन है, और बारी बरकम है। बॉडी वेट है जो पशुधन का वो भी काफी अच्छा। बच्चा कौन सा इसका? ये है इसका। अच्छा, ये देखें भाई एक बार दिखाना चाहूंगा। ये इसके साथ में जो मेल काफ है, और हाँ, तो पीछे से भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। दूध कितना दिया इसने पिछले ब्यांत में, क्या कुछ जानूं? 15 किलो दूध दिया। 15 किलो दूध इसने दूसरे ब्यांत में दिया। आगे जो तीसरे ब्यांत में बच्चे को जन्म देगी, तो एक बार और मैं पशुधन को नजदीक से दिखा देता हूँ। तो क्या कीमत क्या रखी है अंकल जी इसकी? 72,000 रुपये इस पशुधन की जो डिमांड की है। तो जो मोबाइल नंबर है वो भी कंटिन्यू स्क्रीन पे चल रहे हैं। इसे आगे जो पशुधन है उसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। यहीं से बताएं बस, यहीं से क्वालिटी है जो साफ आएगी। बस भाई बांध दे इसको, आगे 2 नंबर पे जी जो ये फर्स्ट ब्यांत की है। अच्छा, तो 2 नंबर पे जो पशुधन है। हाँ। जी जी, ये भी 6 महीने की पूरी क्या बन हो गई है, 6 महीने की प्रेगनेंट हो चुकी है। 2-3 किलो दूध इसका भी निकाल रहे हैं हम। अच्छा जी। हाँ, इसने 13 लीटर दूध दिया है। ये तो आगे दूसरे ब्यांत में बच्चा देगी। दूसरे ब्यांत में बच्चा देगी। जी जी, दांतों में कैसे है? दांतों में ये 4 दांत है, मुंह से 4 दांत है। दूसरे ब्यांत में आगे बच्चे को जन्म देगी, थन पास करवा रही है ये भी। हाँ, थन पास करवा रही। तो एक बार मैं अंदर ले आऊं एक बार। तो ये देखें जो फेस की बनावट है, ये देखें आप, एक सींग है जो वो नुकसान इसे जरूर हुआ है। बाकी जो इसकी क्या कीमत रखी है? इसकी 65,000 रुपये। और इसके साथ में भी बच्चा है? ना, इसके साथ में बच्चा नहीं। इसके साथ में बच्चा नहीं है भाई। 65,000 रुपये इसकी कीमत रखी है। 6ठे महीने में लगी हुई है ना? नहीं, अच्छा 7वें महीने में लगेगी अभी। तो 7वें महीने में अभी 11 लगेगी। बस वापस ले आओ भाई। तो देखें 7वें महीने में जो 11 अभी लगेगी, 65,000 रुपये इसकी कीमत रखी है। और एक सींग है जो वो बिल्कुल राउंड है, और एक सींग का जो इसे जो नुकसान है वो जरूर हुआ है। और एक बार नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये देखें हाइट लेंथ है, वो वीडियो के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है। इसकी कीमत रखी है आपने 65,000 रुपये। जी, इसे आगे एक 3 नंबर पे है। इससे आगे 3 नंबर है, ये 4 दांत कट गया है। जी, 15-16 किलो दूध दिया इसने। जी जी,
अब ये समझो कि पूरे 6.5 महीने की क्या होगी। तो जहाँ से आपने खरीदी है चेक करवा के लेके आए थे? अपने अपने पास ही थी। अच्छा, अपने ही पास थी, गई थी ये। जी जी, अभी चेक करा के लाए हैं। अभी चेक करवा के आप इनको लेके आए एक बार दोबारा से? सातवें महीने के भी 15 दिन इसके चले गए हैं। सातवें महीने के जो 15 दिन है, और ये अभी 4 दांत है, मुँह से 4 दांत है। दूध देती है अभी भी? दूध देती है, थन पास कराती है, थन पास करवाएगी। और ये देखें इसकी क्या कीमत रखी है जी? इसकी कीमत है 85,000 रुपये, और इसके नीचे फीमेल काफ है ये, साथ में इसके ये वाली पूरी नीचे की इसकी खुनों की बनावट वगैरह। ये देखें भाई, ये उसकी कीमत रखी है 85,000 रुपये, और ये फीमेल काफ है इसके साथ में। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कटड़ी को, बाकी आप वीडियो के माध्यम से भाई साफ देख सकते हैं। और जिस भी भाई को लेनी हो वो यहाँ पे आके अपनी तसल्ली करके ले आओ भाई, वापिस ले आओ। तो एक बार दिखाना चाहूँगा, ये पशुधन है, बिल्कुल साफ सुथरा सींग है, वो देख सकते हैं, छोटा सींग है, और हाइट और लेंथ है जो इसकी, वो देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से। तो 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी। इससे आगे 3 नंबर पे आ जाओ। इससे आगे है वो 4 नंबर पे। हाँ, 4 नंबर पे है, दूसरे की जोटिया है वो, उसके अब भी 4-5 किलो दूध है, उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी दूध वो कम नहीं कर रही। दूसरे आगे बच्चा मतलब तीसरे में देगी? हाँ, तीसरे में बच्चा देगी वो। जी जी, उसने 18 किलो दूध दिया है पूरा का। अभी कौन से महीने में? सातवें महीने में। अभी जो प्रेग्नेंट लग चुकी है, एक बार चला के भी आप भाइयों को छोड़ रहे हैं, जून छोड़ने के बावजूद भी 5-6 किलो दूध है। ये तो बच्चा क्या है जी उसके नीचे? उसके नीचे बच्चा नहीं है। अच्छा, इसके साथ में बच्चा नहीं है। इसकी क्या कीमत रखी है? इसकी भी 72,000 रुपये। इसकी कीमत रखी है भाई 72,000 रुपये। जो प्रेग्नेंट भैंसों की काफी डिमांड करते हैं, क्योंकि जो अगर ताजी भैंस से खरीदते हैं तो उनकी जो कीमत है कहीं ना कहीं हमें ज्यादा जो देखने को मिलती है। तो उस वजह से जो पशुपालक भाई हैं वो बकरी भैंस से लेना पसंद करते हैं। तो 72,000 रुपये रखिए ना अंकल जी। बाकी आगे तीसरे ब्यांत में बच्चे को जन्म देगी, बाकी आप वीडियो के माध्यम से जो पशुधन है उसको साफ देख सकते हैं। अच्छा, 5 किलो दूध भी है इसके साथ में जी। तो देखिए भाई, 5 किलो दूध 72,000 रुपये में, जो जितने भी भैंस दिखाई है मेरे हिसाब से तो अभी तक जो रेट है वो बिल्कुल जायज है। इसे आगे जी, और इसे आगे सब ताजी है, अलग अलग रेट की है, 10 किलो से लेकर 20 किलो तक की भैंस। तो एक बार मोटा मोटा सा बता दें कि किस कीमत से किस कीमत तक की हैं और कितने दूध वाली हैं? 10 किलो से 20 किलो के आसपास की भैंसे हैं। अच्छा, और करीबन ये समझिए कि 70,000 रुपये से लेके 140,000 रुपये तक, 72,000 से लेके 140,000 रुपये तक की जो भैंसे हैं। एक बार मैं नज़दीक से जो भैंसों को दिखा देता हूँ, और अगर आप में से किसी भी भाई को इनको खरीदना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखें कि ये भैंस है भाई, अडर की पोजिशन इसकी काफ़ी अच्छी है, थनों का स्पेस भी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके पशुधन को देख के चेक करके तसल्ली करके खरीदें, क्योंकि आप एक जो पशुधन खरीदते हैं तो पेमेंट इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छी चीज़ों पे ही करें। और बाकी जो पशुधन आप भाइयों को दिखाया रेट के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल जो सही है। और ये देखें एक पशुधन, इसके थनों का जो गैप है वो देखें, इसके नीचे कितना दूध है जी तैयारी का, इनके बारे में भी एक एक थोड़ा थोड़ा बता दें। 14 किलो दूध है जी, फीमेल काफ है। कितने दिन की होगी ब्याई हुई? लगभग 15 दिन की ब्याई हुई, 14-15 लीटर दूध। 85 85,000 रुपये। तो 85,000 रुपये में 14-15 किलो जो दूध इन्होंने जैसे अंकल जी ने बताया कि तैयारी का है, और साथ में इसके फीमेल काफ है। अडर की पोजीशन देखें, 20 लीटर ये देखें भाई इसके 10 दिन। तो दूध बेचने के हिसाब से जो पशुधन है वो बिल्कुल अच्छा है। इसके नीचे कितना बताया आपने? 10 दिन में भी आएगी ये, पूरा 20 किलो दूध देती है। 20 किलो अपने कहाँ से आई जान पहचान की? अपने पास थी, देखी हुई अपनी। हाँ हाँ, गांव में मैंने छोड़ रखी थी, अब गांव से वापस लाओ। अच्छा, तो ये देखें भाई, तो मोबाइल नंबर और बता दे अपना। 9491672131311। तो ये इनके संपर्क सूत्र हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद।